हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया क्रिप्टो टेक वीडियो में। फ्रेंड्स, कॉइन डीसीएक्स हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक अपडेट लाया है, हम सभी का उसमें बहुत ही अच्छा होगा। फ्रेंड्स, हम लोग जो कॉइन डीसीएक्स एप्लीकेशन को यूज करते हैं और कुछ दिन पहले, आज से कुछ दिन पहले उसके अंदर ओनली फॉर आरटीजीएस और NEFT ये दो ऑप्शन आया था ऐड मनी करते समय। तो फ्रेंड्स, जो लोग को हम लोग रेफर कर रहे हैं या जो नया लोग रजिस्टर कर रहा है उन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा था इसके वजह से। तो फ्रेंड्स, इसीलिए कॉइन DCX बहुत ही बड़ा एक अपडेट लाया है, उसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। अगर आप एक कॉइन DCX यूज़र हैं तो आज का ये जो एड फंड सिस्टम है, ये जो नया अपडेट आया है, इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। साथ साथ अगर आप इस टाइम में डिपॉजिट करना चाहते हैं कॉइन DCX एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि मार्केट ये मौका फिर कभी नहीं मिल सकता है, तो इस टाइम में डिपॉजिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग कॉइन खरीद सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल को, जिस तरह के टेक वीडियो, क्रिएटर बेसिस वीडियो, साथ ही साथ क्रिप्टो बेसिस वीडियो में बनाते रहता हूँ उस चैनल के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ शेयर भी करिए। तो फिर हम लोग जो छोटा मोटा इन्वेस्टर है जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कॉइन DCX एप्लीकेशन, क्योंकि इसके अंदर से हम लोग काफ़ी सारा क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, साथ ही साथ अच्छा से रिसर्च भी कर सकते हैं, उसका हिस्ट्री निकाल सकते हैं, साथ ही साथ का जो बाई सेल जो सिस्टम है वो भी बहुत आसान है। तो इसलिए बहुत ही आसान में हम लोग कॉइन DCX एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो फिर इस टाइम में डिपॉजिट में आज से कुछ दिन पहले काफ़ी अपडेट आया था, ठीक आज से कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक अपडेट आया था ओनली फॉर NEFT और RTGS। फ्रेंड्स, बहुत लोगों को अभी भी पता नहीं है कि NEFT RTGS किस तरह से होता है, कैसे हम लोग कर सकें, और अगर मोबाइल से ऑनलाइन करना हो तो उसके लिए क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था, बट ये जो अपडेट दिया है कॉइन DCX एप्लीकेशन ओनली फॉर IMPS, IMPS मतलब आप किसी भी, आपका जो ये वॉलेट है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस तरह का जो वॉलेट है उनमें से आप डायरेक्ट पैसा ऐड कर सकते हैं आपका जो कॉइन DCX अकाउंट है उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सा सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम में IMPS ये जो अपडेट आ गया है, इस अपडेट के लिए बहुत ही आसान हम लोगों का होगा डिपॉजिट सिस्टम। मतलब जो आपका रजिस्टर बैंक है उस बैंक का अगर आप गूगल पे या फोन पे या पेटीएम अगर आप लॉगिन करके रखे हैं और आपका अकाउंट के साथ UPI लिंकिंग है, तो उस टाइम में डायरेक्ट आप IMPS कर सकते हैं। अकाउंट नंबर, नाम, IFSC कोड, डिटेल्स लेके, जैसा अभी आपके सामने शो हो रहा है उस सारा डिटेल्स आपको फिल करना होगा। साथ ही साथ मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस हमें आपको देना चाहूँगा कि आपका जो कॉइन DCX एप्लीकेशन है उसके साथ जो बैंक लिंक है उसी बैंक से आप IMPS करने का कोशिश करिएगा। तो फ्रेंड्स, इस टाइम में आप किसी आदर्श बैंक से अगर IMPS करते हैं, शायद ये भी हो सकता है कि आपका वो जो पैसा आपका अकाउंट में ऐड ना हो, वो पॉज हो जाए और फिर बाद में रिफंड चले आएगा आपके पास, इस तरह का चीज़ हो सकता है। तो एक बात आपको ज़रूर ध्यान देना होगा कि आपका कॉइन DCX एप्लीकेशन के साथ जो अकाउंट लिंक है उसी अकाउंट से आप IMPS करेंगे। ये बात जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि आपके आपका जो कॉइन DCX अकाउंट है उस अकाउंट के साथ आपका जो अकाउंट लिंक है उसी अकाउंट से आप पेमेंट करिएगा। अगर किसी आप आदर्श अकाउंट से करते हैं तो उस टाइम में आपका पैसा पॉज हो सकता है और फिर बाद में रिफंड आपके पास चले आ सकता है। आप जो चाह रहे हैं कि अभी पैसा ऐड करके कुछ कॉइन हमको खरीदना है, तो इस टाइम में आपको दिक्कत हो सकता है। मैं एक डिस्क्लेमर आप सभी को देना चाहूँगा, क्रिप्टो करेंसी खरीदना टोटली आपका पर्सनल मैटर है, आप खरीदिएगा या नहीं खरीदिएगा ये टोटली आपका पर्सनल है। तो फ्रेंड्स, आप IMPS करिएगा कैसे? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कॉइन DCX एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाइए, ऐड फंड में जाइए, ऐड फंड यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐड फंड में क्लिक करिए। उसके बाद अमाउंट मिनिमम 500 आप ऐड कर सकते हैं, तो 500 डालिए, 1000 डालिए, 2000 जो डालना है आप डाल दीजिए अमाउंट, ठीक। फ्रेंड्स, अमाउंट डालने के बाद आप ऐड फंड में क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे शो होगा, जैसा IFSC कोड, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, इस सारा डिटेल्स आपको एक एक करके मेंशन करना होगा। साथ ही साथ एक चीज़ आप जरूर नोटिस करिएगा, यहाँ पर रिमार्क बोल के एक ऑप्शन है, जिस ऑप्शन के अंदर आपको आपका रजिस्टर नंबर एंटर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो रिमार्क ऑप्शन है, इस रिमार्क ऑप्शन को जरूर फिल करें। सो होगा जैसा आपका यहाँ पे जिसमें IMPS करना होगा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ठीक है, नाम वगैरह सारा डिटेल्स यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे आपका जो अकाउंट से आप IMPS कर रहे हैं, आपका जो अकाउंट लिंक है वो अकाउंट भी साथ साथ यहाँ पे ऊपर में शो करेगा, मतलब ये अकाउंट आपका लिंक है। और साथ ही साथ IMPS कंप्लीट होने के बाद
यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर भी डालना होगा। वीडियो को एंड तक देखिए, मैं सारा डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, सेंड मनी में जाइए, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालिए, आईएफएससी कोड डालिए, नाम जो दिया हुआ है नाम आप डाल दीजिए। डालने के बाद फ्रेंड्स, जब पेमेंट आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट करिएगा, कंप्लीट करने के बाद एक रेफरेंस आईडी होता है और वो रेफरेंस आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप रेफरेंस नंबर एंटर नहीं करते तो उस टाइम में आपका पैसा आने में दिक्कत हो सकता है, शायद नहीं भी आ सकता है, इस तरह का चीज भी हो सकता है। तो उस टाइम में ये जो फॉर्मेलिटीज है आपको इसको फुल कंप्लीट करना है, तभी आप एड फंड कर सकते हैं। अभी के टाइम में कॉइन डीसीएक्स एप्लीकेशन के अंदर ये जो नया अपडेट आया है आईएमपीएस का, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं, पूरा फॉर्मेलिटीज आपको मानना होगा। तो फ्रेंड्स, कॉइन डीसीएक्स का ये जो नया अपडेट आया था आप सभी को देना था, क्योंकि कॉइन डीसीएक्स यूजर काफी मेरे सब्सक्राइबर है, तो इसीलिए मैं आप सभी को दे दिया ये जो नया अपडेट आया है, किस तरह से ऐड पेमेंट करना है। इससे पहले भी बहुत सारा मैंने वीडियो दिए हैं और क्रिप्टो रिलेटेड वीडियो में लगातार लाते रहता हूँ चैनल के अंदर, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ साथ शेयर भी करिएगा, जो क्रिप्टो रिलेटेड जो फ्रेंड फैमिली सर्कल के अंदर भी शेयर भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्रिप्टो टेक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम अ ट्रेडिंग वीडियो।